नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने प्रदीप की बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी के अलावा एक हेल्प बुक चाहिए, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड की जाने वाली बुक होती है आपकी प्रदीप की बायोलॉजी। प्रदीप्स बायोलॉजी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, इंडिया नंबर वन सेलिंग बुक, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दो में ये आपको देखने को मिलती है। वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू। अगर बात करें इसके रचयिता की, लेखक की, राइटर की, पी एस धामी जी चोपड़ा एंड एच एन श्रीवास्तव जी इसके राइटर हैं। आज हम इन बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या खास है इस बुक में और क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और क्या वास्तव में ये इतनी कारगर साबित होती है कि आप इससे अपने बेसिक्स क्लियर कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस टैग की। प्राइस टैग में लगभग ये 1200 से लेकर 1300 रुपये तक ये आपको मार्केट में दोनों वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो दोनों बुक में लगभग लगभग आपको 1000 से लेकर 1300 तक नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। बात करें नंबर के पेजेस क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम वन का जो कंटेंट है उसके अंदर सबसे पहले आपको चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बाद चैप्टर थ्री में प्लांट किंगडम, चैप्टर फोर में एनिमल किंगडम, इसके बाद यूनिट टू शुरू होती है जिसका चैप्टर फाइव में, यूनिट टू का नाम बताते स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर फाइव में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, चैप्टर सिक्स एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, चैप्टर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आई एनिमल टिश्यूज, एंड द लास्ट वन चैप्टर एट में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स नंबर टू, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्यू एनिमल टाइप्स, लास्ट में आपको आंसर एंड हिंट्स टू द मॉक टेस्ट 1 से 8 तक आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम वॉल्यूम 2 की बात करें, तो वॉल्यूम 2 के कंटेंट में शुरू होती है यूनिट सेकंड से, तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर 9 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 10 में आपको बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 11 सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स, चैप्टर यूनिट 4 शुरू होती है इसमें प्लांट फिजिकोलॉजी आपकी शुरू होती है, जिसमें आपको चैप्टर 12 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसके बाद चैप्टर 13 में आपको मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 14 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 15 रेस्पिरेशन इन प्लांट, चैप्टर 16 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूनिट 5 शुरू होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, चैप्टर 17 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर 18 में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 19 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, चैप्टर 20 एक्सिटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, चैप्टर 21 लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, चैप्टर 22 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 23 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, द लास्ट वन इज द आंसर्स एंड हिंट्स टू मॉक टेस्ट 9 to 23। तो ये सारा मटेरियल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की, क्या क्या आपको चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है, क्या क्या जो पैटर्न है चैप्टर का वो किस प्रकार का है। सबसे पहले कंटेंट आ गया, यहाँ पर यूनिट 1 आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले यूनिट का नाम है। तो शुरुआत में आपको कुछ एनिमेटेड डायग्राम्स देखने को मिलेगी, हर चैप्टर का एक आपको डायग्राम देखने को मिलता है और यहाँ पर नंबरिंग भी की गई है। सबसे पहले स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्पीसीज, थोड़ा सा एक तरह से मतलब आपको हर चैप्टर का छोटा छोटे बात बताई गई है। यहाँ से द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर ओवरव्यू में आपको सारे के सारे जो हेडिंग्स इसके अंदर है, सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, तो शुरुआत में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें, आपको समझना क्या है, पढ़ना क्या है, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर के पढ़ते पढ़ते लास्ट में देखने को मिलते हैं। अब बात करें, सबसे पहले हेडिंग है लाइफ एंड लिविंग बीइंग्स, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है, तो बहुत चीजों को अच्छे से समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। जो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई हेडिंग हो चाहे वो कोई डेफिनेशन हो, उसको मोटी कलम से, मोटी हेडिंग से यहाँ पर दिया गया है। डिफरेंसेस को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में समझाया गया है। आगे चले तो देखो, जो मेन हेडिंग है, मेन कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको मोटी कलम से, बोल्ड लेटर से यहाँ पर दिखाया गया। फिर से डिफरेंसेस को टेबल के द्वारा समझाया गया। जो डायग्राम है एनिमेटेड फॉर्म में दिए गए हैं, मतलब हैंडमेड आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं, रियलिस्टिक डायग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। आगे चले तो हेडिंग को पिंक कलर से, बाकी सब ब्लैक कलर से दिखाया गया है।
और किसी भी हेडिंग को शुरू करने से पहले उसकी एक क्वेश्चन बनाया गया है, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो किस प्रकार से बनता है और उसको आंसर किस तरीके से आपको देना है। यहाँ कैटेगरी और स्टैंडर्ड सफिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो लगभग इतना ज्यादा मटेरियल है, सब कुछ कवर कर दिया गया है। तो हेल्प बुक के मामले में इसमें रियलिस्टिक डायग्राम भी दिया गया है, कोई कंजूसी नहीं की गई है, आप देख सकते हैं। पहले अच्छे से थ्योरी पूरी बढ़िया तरीके से समझाई गई है, और जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है तो चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको रिव्यू एट अ ग्लैंस, मतलब पूरे चैप्टर की समरी देखने को मिलती है, पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने को मिलता है। आपके पास टाइम नहीं हो और आप रिविजन करना चाहते हैं पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते, तो आप इसको पढ़ के पूरे चैप्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज विद आंसर यहाँ पर दी गई है, एक क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलते हैं, पहले वेरी शॉर्ट मिलते हैं जिसको 1 मार्क्स का होगा, उसके बाद 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चले तो आगे आपको एचओटीएस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस मिलते हैं, पहले क्वेश्चन फिर उनके आंसर, क्वेश्चन उनके आंसर, फिर क्वेश्चन फिर उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स देखने को मिलते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक पैराग्राफ देंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे, फिर उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। आगे चले फिर कॉम्पिटिशन फोकस दिया गया है, जिसमें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है वे यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से एग्जाम में किस सन में पूछे गए हैं, उसके लास्ट में दिया गया है, एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, एग्जाम का नाम और किस सन में वो पूछा गया है। और यही एक खास बात लगी, यहीं पे नीचे इसका आंसर दे दिया गया, इस पेज पर एक क्वेश्चन है तो एक आंसर नीचे दे दिया गया, इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन है 3 से 18 तक, 2 भी इसमें आ रखा है, तो 2 से 18 तक यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से असेसमेंट रीजन के क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट देखने को मिलता है जिसका आंसर आपको लास्ट में, बुक के लास्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। तो सिंपल और सीधा साधा सा पैटर्न है, पहले पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया गया है, बहुत डीपली और ईजी लैंग्वेज का यूज किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में रिव्यू देखने को मिलता है, मतलब रिविजन एट ए ग्लैंस करके हेडिंग है, जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चंस, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, चाहे वॉल्यूम 1 की बात करें चाहे वॉल्यूम 2 की बात करें। तो कुल मिलाकर अगर रेटिंग की बात करूं तो मैं 5 में से इसको 4.5 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 4.5 की रेटिंग क्यों दूंगा, रीजन क्या है, जो 0.5 कट किया, क्यों कट किया है, क्योंकि जो PYQ क्वेश्चन है वो बहुत कम ऐड किए गए हैं इसके अंदर। अब सीधी सी बात आप सोचेंगे कि 11th में कोई बोर्ड नहीं है तो PYQ क्वेश्चन कहां से देंगे, तो मेरा मानना है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बेसिक्स है, जो आपको 12th में काम आने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको की कॉन्सेप्ट 12th में काम आएंगे, उनको इंपॉर्टेंट के रूप में आपको हाईलाइट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको 12th में कोई दिक्कत ना आए। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है सिलेक्टेड पढ़े, जिससे कि आप अपने आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से आप प्रिपेयर कर सकें। तो ये था प्रदीप की बायोलॉजी का एक शॉर्ट रिव्यू, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए कराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।